हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। ये अपना ज्योग्राफी के अंदर ये साइंस का भी टॉपिक है, सेवन कॉन्टिनेंट्स, सात महाद्वीप। देखिए, हमारी दुनिया में हमारी जो दुनिया है वो सात महाद्वीपों में बटी हुई है। ये सातों महाद्वीप बड़े बड़े पांच समुद्र के चारों ओर बसी हुई है। हम ये कह सकते हैं कि इसके चारों ओर पांच समुद्र हैं, ठीक, पांच टाइप के समुद्र हैं, और हमारी दुनिया सात कंटिनेंट में बटी हुई है, सात महाद्वीपों में। देखिए, सातों महाद्वीपों में से सबसे पहला है एशिया, पहला मान सकते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया है, यूरोप है, देखिए ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये ओशिनिया है। ओशिनिया को हम ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। अब हम सबसे पहले आपको एशिया महाद्वीप के बारे में बताएंगे। देखिए, ये जो है रेड कलर का जो है, ये है हमारा एशिया महाद्वीप। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, कह सकते हैं सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसका जो एरिया है वो है 49.7 लाख किलोमीटर। इसका एरिया 49.7 लाख किलोमीटर है। हमारे एशिया महाद्वीप में लगभग 50 कंट्री हैं। कितनी कंट्री हैं हमारे एशिया महाद्वीप में? 50 कंट्री हैं। मैं एशिया महाद्वीप पे लेके चलता हूँ आपको। देखिए, यह है हमारा एशिया महाद्वीप, ठीक है। एशिया महाद्वीप में 50 कंट्री हैं। सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है रशिया, देखिए ये दिख रहा है रशिया। सेकंड नंबर पे आता है चाइना, और सबसे छोटा है हमारा मालदीव, जिसको हम आइसलैंड नेशन बोलते हैं, मालदीव, इसको बोलते हैं हम आइसलैंड नेशन। इसमें हमारा इंडिया भी है, देखिए ये सबसे नीचे इंडिया है, ठीक है। इसके अलावा इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चाइना, आपका मंगोलिया, और ये देखिए आप, इसमें 50 देश, 50 कंट्रीज इसमें आते हैं। ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसमें सबसे ऊंची जो हिल है उसको बोलते हैं सागर माथा हिल। सबसे ऊंची हिल है उसको बोलते हैं सागर माथा हिल। सबसे लार्जेस्ट लेक है वो है बैकाल। सबसे लार्जेस्ट लेक क्या है आपकी? बैकाल है। और इसमें अरेबियन डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा डेजर्ट है। एशिया महाद्वीप में लगभग 2000 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उसमें से सबसे 2000 लैंग्वेजेस, और इसमें से जो मेन लैंग्वेज हैं वो अरेबिक है, बंगाली है, चाइनीज़ है, हिंदी है, जापानीज़ है, रसियन है, और थाई है। एशिया महाद्वीप के बारे में आपने जान लिया, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, पॉइंट नोट कर लीजिए। इसमें 50 कंट्री हैं, रसिया सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पे चाइना है। पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें रसिया फर्स्ट, चाइना सेकंड, और सबसे स्मॉलेस्ट जो महाद्वीप है, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है वो आइसलैंड मालदीव है। हाईएस्ट पॉइंट सागरमाथा है। बैकाल लेक सबसे बड़ी लेक है। सबसे बड़ा डेजर्ट अरेबियन डेजर्ट है। 200 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इसमें। सबसे मेजर लैंग्वेज अरेबिक है, बंगाली है, चाइनीज़ है, हिंदी है, जापानीज़ है, रशियन है, और थाई है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं एशिया कंटिनेंट के। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यूरोप कंटिनेंट। चलिए मैं आपको पहले अफ्रीका के बारे में बताता हूँ, अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में बता देता हूँ। अफ्रीका कंटिनेंट सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, कंटिनेंट है ये। एशिया के बाद दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन के मामले में अफ्रीका आता है। 30 मिलियन किलोमीटर इसका एरिया है। पूरे दुनिया की 18% पॉपुलेशन अफ्रीका महाद्वीप में रहती है। टोटल अर्थ का 1/5 सरफेस एरिया
अफ्रीका महाद्वीप कवर करता है, और सहारा का मरुस्थल सबसे बड़ा डेजर्ट है इनके यहाँ, डेजर्ट मरुस्थल को बोलते हैं, ये सहारा का सबसे बड़ा डेजर्ट है यहाँ पे। और अफ्रीका महाद्वीप में 1250 से लेके 3000 लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज बोली जाती हैं। क्रिश्चियन इसमें मेन लैंग्वेज है, इसको मदर टंग भी कह सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्टुगिस, अरेबिक ये लैंग्वेज बोली जाती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में ही आपने पढ़ा होगा कॉन्गो, कॉन्गो भी अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ यूरोप महाद्वीप के बारे में बताता हूँ आपको। देखिए यूरोप, यूरोप के बारे में बताते हैं। यूरोप महाद्वीप जो है सबसे सेकंड से सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, उससे बड़ा यूरोप है। इसमें 44 कंट्रीज आते हैं और 10.2 मिलियन किलोमीटर का एरिया है। 747 मिलियन पीपल रहते हैं 2020 की जनगणना के हिसाब से। यूरोप है जो वो चारों तरफ से, तीन तरफ से मान के चलिए, ये जल से घिरा हुआ है। तो आपने यूरोप के बारे में आपने मालूम कर लिया, यूरोप सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, उससे बड़ा यूरोप है, 44 कंट्री हैं, 10.2 मिलियन किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, इसका एल्ब्रुस माउंट जो है उसका हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे बड़ी रिवर है वो बोलग्रा है, और ये चारों तरफ से हम कह सकते हैं तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। यहाँ की मोस्ट कॉमन लैंग्वेज रसिया, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश, स्पेनिश, यूक्रेनियन, रोमानियन और डच है। यहाँ पर तुर्किश भी बोली जाती है। अब हम आपको बताते हैं चौथा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आपका थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। एरिया 21 लाख किलोमीटर है, 23 कंट्री रहते हैं इसमें। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है, इसके अलावा कनाडा, ये देश नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर स्पेनिश, फ्रेंच और डच तीन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। इसके बाद अगला है आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 17 लाख किलोमीटर एरिया है, फिफ्थ रैंक पॉपुलेशन के मामले में इसकी फिफ्थ रैंक है, इसके अंदर 12 कंट्रीज हैं, ये आपका साउथ अमेरिका है। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे हम आते हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, 8.5 लाख किलोमीटर का एरिया है, इसकी मेन लैंग्वेज इंग्लिश है। ये ओशियन, ओशियन से घिरा हुआ होने के कारण इसको ओशिनिया भी बोलते हैं, ओशिनिया, बहुत अच्छा कॉन्टिनेंट है ये। यहाँ पर इस, यहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है। अब हम बताते हैं सबसे लास्ट हमारा है, देखिए सबसे लास्ट है हमारा एंटार्क्टिका। देखिए ये वाला, ये एंटार्क्टिका। देखिए एंटार्क्टिका क्या है, 13 लाख किलोमीटर एरिया है, ये साउथ पोल पे बसा हुआ है। बसने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है, यहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि ये पूरा आइस से कवर्ड है। इसको वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इस कॉन्टिनेंट पे कोई भी कंट्री नहीं है। इट इज़ द होम ऑफ पेंगुइन एंड सील्स, ये पेंगुइन और सील्स का घर भी बोलते हैं इसको। 4000 से ज़्यादा रिसर्चर, कई सारे कंट्री के रिसर्चर वहाँ पर
इस टाइम है, हम ये कह सकते हैं बर्फ़ की वजह से यहाँ पर जीवन नहीं है, ये बिना पॉपुलेशन का कॉन्टिनेंट है। तो ये आज मैंने आपको 7 कॉन्टिनेंट के बारे में बताया है। आपको अगर मेरा चैनल पे जो भी कंटेंट अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आगे आपको साइंस की जानकारी लाता रहूँगा। थैंक यू।